शिमला मिर्च की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, कभी शिमला मिर्च की भजिया खाई है? नहीं खाई तो आज मैं आपको लेकर आ गया बैंगलोर के एक साउथ इंडियन आंटी के पास, जो कि पूरी साबुत शिमला मिर्च की भजिया लगाते हैं और इनकी भजिया इतनी ज्यादा टेस्टी होती है कि शॉप पे बनते ही बिक जाती है। तो चलिए देखते हैं इनके भजिया में क्या क्या वैरायटीज रहती है, उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते तो पूरा कट्टा यहाँ पे शिमला मिर्च का भरा हुआ है और इसी से यहाँ पे भजी बनाई जाती है। तो फाइनली शिमला भजी के लिए हमारे यहाँ पे बेसन आ चुका है और अब इस बड़े से पतीले में बेसन को अच्छे से यहाँ पे घोला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसन डाल दिया गया है, पूरा पतीला भर दिया गया है, उसके बाद ऊपर से नमक डाला जा रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते सोडा डाला जा रहा है। तो पूरे पतीले में बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखते भैया हाथों से अच्छे से पूरा बैटर यहाँ पे मिला रहे हैं। तो देखते सबसे पहले शिमला मिर्च हमारे यहाँ पे आ चुकी है और एक एक करके इसको यहाँ पे बैटर में डाला जा रहा है। तो देख सकते कितनी सारी शिमला मिर्च यहाँ पे बैटर में डाल दी गई है और अच्छे से बैटर को लगा के शिमला मिर्च को एक करके यहाँ पे कढ़ाई में डाला जाएगा। तो हमारी शिमला मिर्च की भजी बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और पूरी कढ़ाई भर के यहाँ पे अब इसको ऑयल में डाला जाएगा। तो अगर आप बैंगलोर आ रहे हैं आपको यहाँ पे मिर्ची की भजी मिल जाएगी, शिमला मिर्च की भजी मिल जाएगी, कॉर्न की भजी मिल जाएगी, बहुत डिफरेंट टाइप की भजी बनाते हैं। तो अगर आप भी बैंगलोर विजिट कर रहे हो आपको यहाँ पे शिमला मिर्च की भजी मिल जाएगी, बेबी कॉर्न की भजी मिल जाएगी, मिर्ची की भजी मिल जाएगी और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे शिमला मिर्च की भजी पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो बेबी कॉर्न की भजी यहाँ पे लगाई जा रही है। तो जैसे जैसे देख सकते हो शिमला मिर्च पकना स्टार्ट हो रही है, ऊपर ऊपर वो तैरना स्टार्ट हो चुकी है और अभी हमारी भज्जी बनना स्टार्ट नहीं हुई और आप चारों तरफ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे आ चुकी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो ब्रेड यहाँ पे लगाए जा रहे हैं बेसन में अच्छे से डुबो के। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ बनाई जा रही है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे केले डाले जा रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पे मिर्ची आ चुकी है, मिर्ची को काट के अच्छे से बेसन में देख सकते हो डिप कर दिया गया है। तो वैरायटी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा वैरायटी की आपको यहाँ पे भज्जी मिल जाएगी। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अब इसको अच्छे से देख सकते हो पलटा जा रहा है और चारों तरफ से इसको अच्छे से पका लिया जाएगा। अगर आप भी बैंगलोर में रहते हो, इवनिंग स्नैक्स में कुछ बढ़िया सा ट्राई करना चाहते हो, आंटी जी के साथ यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, इनकी जो भज्जी है लोग बहुत पसंद करते हैं। तो फाइनली डिफरेंट वैरायटी की यहाँ पे भज्जी लग के रेडी हो चुकी है, अब इसको यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। तो लगभग 10 मिनट में हमारी भजी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और अब एक एक करके इसको यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है। तो हमारी यहाँ पे कैप्सूल भजी लग रही है, तो एक एक करके इसको अच्छे से कटिंग की जा रही है। तो छोटे छोटे पीस में कट कर लिया गया है, तो देखते हैं अब इसको कैसे लगाते हैं। तो ये आ गया मसाला और ये आ गया सैलेड। तो सैलेड में आपको गाजर मिल जाएगी, प्याज मिल जाएगा। तो टाइमिंग यहाँ की रहती है शाम के 5 बजे से 7:30 बजे तक। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, संडे को छुट्टी रहती है, बाकी दिन ये सारा खुला रहता है, आप कभी भी आके इनकी भजी टेस्ट कर सकते हो। फाइनली बैंगलोर की फेमस शिमला मिर्च की भजी यहाँ पे लग के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर से बढ़िया सा सैलेड डाला है, मसाला डाला है, नमक डाला है हल्का सा और एकदम बढ़िया तरीके से इसको रेडी कर दिया है। तो भजी तो मैंने बहुत टाइप की खाई है, केले की भजी खाई है, मिर्ची की भजी खाई है, आलू की भजी खाई है, बट यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही यूनिक शिमला मिर्च की भजी लगा दी गई है। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो आंटी जी ने बहुत बढ़िया भज्जी बनाई है, एकदम क्रिस्पी सी है। मुझे लगा नहीं था कि शिमला मिर्च के साथ इसका टेस्ट अच्छा आएगा, बट ऊपर से जो सैलेड डाला है और जो उन्होंने मसाला डाला है रेड कलर का, उससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। तो अगर आप भी बैंगलोर में रहते हो या विजिट कर रहे हो और बढ़िया सी भज्जी खाना चाहते हो, शिमला मिर्च की भज्जी खाना चाहते हो, तो यहाँ पे आके इसको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत टाइप की भज्जी मिल जाएगी, आपको बेबी कॉर्न की भज्जी मिल जाएगी, आलू की भज्जी मिल जाएगी, बहुत वैरायटीज़ है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। इनकी भज्जी इतनी ज़्यादा बढ़िया होती है कि आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अभी आंटी को आए हुए सिर्फ 10 से 15 मिनट ही हुए हैं और यहाँ पे भीड़ लगना इतनी जल्दी चालू हो गया था कि यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। तो इस भज्जी का प्राइस है 30 रुपए, तो आपको 30 रुपए में एकदम बढ़िया से शिमला मिर्च की भज्जी खाने को मिल जाएगी। इवनिंग में कुछ बढ़िया सा स्नैक्स ढूंढ रहे हो तो इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हो। इस शिमला मिर्च भज्जी को मैं आप जल्दी से फिनिश करता हूँ और मैं तब से नेक्स्ट वीडियो में।